गणमान्य दर्शकों, हृदय की गहराई से अभिवादन। मैं आचार्य पंडित भागीरथ पांडे आप लोगों के समक्ष एक ज्योतिषीय योग लेकर उपस्थित हूँ। आप लोगों के समक्ष जो मैं योग लेकर आया हूँ, इसे पंच महापुरुष नामक योग से जाना जाता है। पंच महापुरुष योग कैसे बनते हैं, इसके बारे में मैं सर्वप्रथम बताना चाहता हूँ कि यह सबसे पहले मंगल से बनने वाले योग को रूचक महापुरुष योग कहते हैं। दूसरा, बुध के ग्रह द्वारा निर्मित होता है, जिसे भद्र नामक पंच महापुरुष योग कहते हैं। बृहस्पति के द्वारा बनने वाले योगों को हंस नामक महापुरुष योग कहते हैं, और शुक्र के द्वारा निर्मित योगों को माल्यव्य योग कहते हैं। शनि ग्रह के द्वारा बनने वाले योगों को सस नामक योग कहते हैं। ध्यातव्य बातें तो यह है, यह योग सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु से नहीं बनता है। मैं रूचक नामक योग की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। यह योग कैसे कुंडली में बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है, और इस योग लागू हो जाने के बाद पुरुषों पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, किस ओर यह योग खींच करके ले जाता है। सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि आखिर रूचक योग का अर्थ क्या होता है। जिस योग के विषय में मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूं, उसका नाम तो रूचक है। रूचक कहते किसे हैं, रूचक शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कृत व्याकरण में एक धातु है रुच धातु, जिसका अर्थ होता है रुचना, जिसका अर्थ होता है जचना, जिसका वास्तविक अर्थ होता है चाह, अर्थात जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग लग जाता है और वह व्यक्ति जिस वस्तु की चाह करता है, पद प्रतिष्ठा, उसी की यह प्राप्ति करवा देता है। यह योग जिसे हम रूचक पंच महापुरुष योग कहते हैं। अब यह लगता कैसे है, इसी पर ध्यान देना है। प्रथम भाव में अब आप जो देख रहे हैं यह कुंडली, इस कुंडली में लग्न भाव है। लग्न भाव में मेष, उसके बाद वृश्चिक। तब मंगल के द्वारा यह निर्मित योग होता है। लग्न में मंगल अगर मेख राशि का और वृश्चिक राशि का या सोक्षत्री होकर के, इनकी दो राशियां हैं ना, मेखाली भौमा, मेख और वृश्चिक राशि के होकर के अथवा लग्न स्थान में ही मकर राशि के होकर के, अर्थात मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। लग्न में मेख, वृश्चिक और मकर राशि के मंगल हो जाने से यह योग बनता है। पुनः चतुर्थ भाव में आवे, चतुर्थ भाव में भी अगर मेख राशि के, वृश्चिक राशि के अथवा मकर राशि के होकर के मंगल अगर चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो यह योग बनता है। पुनः सप्तम केंद्र में एक वृश्चिक और मकर, ये तीन राशियों में से किसी एक राशि में बैठ जाने से यह योग बनता है। पुनः दशम केंद्र में मेख राशि,
वृश्चिक राशि और मकर राशि अर्थात उच्च के, मेरे कहने का भाव है कि मंगल इन्हीं चार केंद्रों में से प्रथम केंद्र में, प्रथम से चतुर्थ स्थान केंद्र में, चतुर्थ से चतुर्थ अर्थात लग्न से सप्तम भाव में, और सप्तम से चतुर्थ अर्थात लग्न से दशम केंद्र में ही, चारों केंद्रों में से मेख राशि का, वृश्चिक राशि का अथवा अपनी उच्च राशि मकर राशि का होकर के मंगल बैठते हैं, तभी यह योग निर्माण होता है। यह रूचक योग जिनकी कुंडली में लग जाए, यह मंगल अग्नि तत्व कारक ग्रह है, खास करके यह योग लगने के बाद पुलिस ऑफिसर, अच्छे पदाधिकारी, असाहसी सेनापति, सेनानायक व्यक्ति को आकर्षक बना देता है, व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता है। यह मंगल रूचक योग जिसकी कुंडली में लग जाए उस व्यक्ति को, उस है ना, ललाट प्रतिभावान होता है और अपने सामने, अपनी प्रतिभा के सामने दूसरे को यह झुका देता है, आत्मविश्वास से भरपूर रखता है मंगल पंच महापुरुष योग। मजबूत शरीर वाला, शरीर स्वस्थ ताकत वाला, राज्य में शासन करने वाला सेना नायक, और मंगल भूमि पुत्रस्य, मंगल भूमि का पुत्र होने के कारण भूमि देता है, वाहन देता है, सारी सुख सुविधा प्राप्त करा देता है। ध्यान देने योग बात तो यह है, मैंने बहुत सारी कुंडलियों को देखा है, उसमें योग तो लागू है लेकिन योग का फल नहीं मिलता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। इस योग को देखने के पूर्व दो चीजों पर विशेष करके ध्यान देना है कि योग जो लगा रहा है मंगल, उसकी डिग्री शून्य नहीं हो, इसकी डिग्री बाल्यावस्था में नहीं हो, मृतावस्था में नहीं हो, वृद्धावस्था में नहीं हो, अर्थात 12 से 18 डिग्री के अंतर्गत अगर मंगल हो। और साथ साथ यह भी देख लेना है कि जिस लग्न में जन्म है उस लग्न की डिग्री भी कम नहीं हो, वरना दोनों में से किसी में कमी आई तो योग का फल नहीं मिलता है, तभी यह योग लागू होता है। अब आप देखें, हम लोग उदाहरण के साथ कुंडली में देखें कि जिनकी कुंडली में लगा है उनको यह रूचक महायोग पंच महापुरुष योग महान बना दिया है। उदाहरण कुंडली रूचक पंच महापुरुष योग का उदाहरण कुंडली लेकर मैं उपस्थित हूं। वर्तमान कुंडली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की कुंडली है। इनका जन्म लग्न स्थान में 8 अंक लिखा हुआ है। 8 अंक के स्वामी मंगल होते हैं, इन्हें वृश्चिक कहते हैं। इनका जन्म वृश्चिक लग्न में, अब वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल इसी घर में बैठे हुए, अर्थात रूचक पंच महापुरुष योग लागू हो गया। यूं तो इनकी कुंडली में और बहुत सारे योग हैं, चंद्रमा भी नीच का है, अद्य को नीच ग्रह तद्रास्याधिपः बताया गया है। इनकी कुंडली में चंद्रमा नीच के हैं, तो जिस राशि में नीच के हो रहे हैं वृश्चिक राशि में चंद्रमा, उसी में मंगल भी बैठे हुए हैं, तो नीच भंग राज योग भी लगा हुआ है। हो तेरा क्या कहना, तभी तो भारत के प्रधानमंत्री बने। यह रूचक महा पुरुष
योग बनाया। इस योग की क्या खासियत है, आप मोदी जी के चरित्र से अनुभव करें। दूसरा, कुंडली का उदाहरण मैं दे रहा हूं। रूचक योग का दूसरा कुंडली लेकर मैं उपस्थित हूं। यह वर्तमान कुंडली सिनेमा जगत के अक्षय कुमार की लगता है पंच महापुरुष रूचक योग के आधार पर इनका नाम भी रूचक योग साबित कर दिया है। अक्षय, अक्षय जिसका क्षय नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो, वही होता है अक्षय। इनकी भी कुंडली लग्न में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल लग्न में ही स्वच्छत्री होकर के बैठे हुए हैं। पूर्व के उदाहरण में मैंने कहा ना कि लग्न में अगर मेख राशि का या वृश्चिक राशि का अथवा उच्च के मकर राशि में जब मंगल चले जाते हैं तो परमोच्च हो जाते हैं। तो तीन राशियों में से मेख, वृश्चिक अथवा मकर राशि में मंगल चले जाते हैं तो रूचक नामक योग बनता है। ये अक्षय जी की कुंडली में भी मंगल लग्न में ही है। यह साहसी बनाता है। यह व्यक्ति को स्वतः जिनकी कुंडली में लग जाए उनको महान बना ही देता है। इस योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है, मंगलो भूमि पुत्रस्य, मंगल भूमि के पुत्र हैं, कारक भूमि के भी हैं, तो जगह देते हैं, जमीन देते हैं, भूमि देते हैं, मकान देते हैं, गाड़ी, सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था स्वतः रूचक नामक योग करा देता है। इनकी कुंडली में भी रूचक योग के कारण ये महापुरुष यहां तक पहुंच सके। प्रस्तुत कुंडली जो आपके सामने, जो आप देख रहे हैं, यह कुंडली सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुंडली है। इन्हें कौन नहीं जानता है, ये भारत के एक स्तंभ थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से पुकारा जाता था। राजनीति में कुछ उलटफेर होने के कारण ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सके, लेकिन कुंडली दर्शा रही है कि उस लायक व्यक्ति थे। अब ग्रहों पर हम लोग थोड़ा विवेचना करें, व्याख्या करें। मेरी चर्चा हो रही है पंच महापुरुष, तो मैंने पूर्व उदाहरण में कहा था ना कि चारों केंद्रों में से किसी केंद्र में मेख राशि, वृश्चिक राशि अथवा मकर राशि उच्च के मंगल हो जाते हैं तो रूचक नामक पंच महापुरुष योग लग जाता है। देख लीजिए, सप्तम भाव में मंगल उच्च के होकर बैठे हुए हैं, इनकी कुंडली में रूचक नामक पंच महापुरुष योग लागू है। ऐसे तो इसी में शनि भी बैठे हुए हैं तो सस नामक योग भी लगा हुआ है। और देखिए, इनका जन्म लग्न में चार अंक है, चार अंक को, चार नंबर की राशि को कर्क कहते हैं। तो इनकी कुंडली में जो चार अंक है अर्थात लग्नेश चंद्रमा हो गए, और वह चंद्रमा वृक्ष के होकर के शुक्र के घर में जाकर के उच्च होकर के बैठे हुए हैं। और दूसरा, चतुर्थ स्थान में तुला राशि के स्वतः शुक्र बैठे हुए, जो मालव योग, अर्थात इनकी कुंडली में मंगल द्वारा रूचक और सस योग शनि द्वारा और
शुक्र द्वारा माल्लव्य योग, इसीलिए ऐसे महापुरुष को है ना लव पुरुष के नाम से पुकारा गया। तो इनमें मंगल के द्वारा जो रूचक योग बना, मेरी चर्चा इसी पर हो रही है। मेरे कहने का भाव यह है, अगर किन्हीं की कुंडली में रूचक योग लग रहा है लग्न में बैठ करके अथवा चतुर्थ स्थान में बैठ करके मंगल, चाहे मेख का या वृश्चिक का या मकर का हो, या सप्तम केंद्र स्थान में मेख राशि का, वृश्चिक राशि का, अथवा उच्च का शनि की राशि में बैठे हुए हो, अथवा दशम केंद्र स्थान में मेख वृश्चिक अथवा मकर, तो यह योग लागू हो जाता है। लेकिन यह योग पर ध्यान देना है कि इस मंगल की डिग्री 12 से 18 के बीच में हो तभी यह योग लागू होता है। अन्यथा अगर मंगल वृद्धावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, मृतावस्था में हो, तो कदापि योग नहीं लगता है। मुझे बहुत सारे लोग है ना कॉमेंट करके कहते हैं कि गुरुजी हमारी कुंडली में तो मंगल चतुर्थ स्थान में बैठे हुए मकर राशि का फल नहीं मिल रहा है। तो आप लग्न की डिग्री और मंगल की डिग्री पर ध्यान देंगे तभी यह योग बनता है ना। धन्यवाद।